सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवांशु आज फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक की व्याख्या। यावनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया न कोई। पोथी या वेदों से ही आपको सफलता मिले ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है, अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं। कर्म को समझना पड़ेगा, आखिर ये होता क्या है। तो ये थी 46वें श्लोक की व्याख्या। कल मैं आप लोग के सामने फिर प्रस्तुत करूंगी नए श्लोक की नई व्याख्या। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।